हेलो दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। जी हाँ, विप्लव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम पहला क्लास है ऑनलाइन का और फर्स्ट पेपर का, उसी फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। दोस्तों फर्स्ट पेपर में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और 50 ही बनाना होता है, और हर एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है, अर्थात 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, फर्स्ट पेपर में कुल 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक है याद रखिएगा, कुल 10 टॉपिक है। जी हाँ, फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक है और हर टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। जो इसमें से जो पहला टॉपिक है वह है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। जी हाँ, आपके पास होगा ही सिलेबस, नहीं तो मैं सिलेबस आपको भेज दूंगा। शिक्षण अभिक्षमता, दूसरा रिसर्च, आखिर रिसर्च होता क्या है, री मतलब होता है पुनः, सर्च मतलब होता है खोजना, रिसर्च के कितने आयाम हैं, रिसर्च के स्टेप क्या है, ऐतिहासिक रिसर्च क्या है, वर्णनात्मक रिसर्च क्या है, तो दूसरे टॉपिक में हम लोग रिसर्च की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों संचार, कम्युनिकेशन, आखिर संचार कम्युनिकेशन में आखिर क्या पढ़ते हैं, क्या होता है संचार, यानी कि जब हम कोई संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, इन सब को संचार के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है दोस्तों सूचना एवं संचार टेक्निक। दोस्तों इसमें सूचना एंड इंफॉर्म जो संचार टेक्निक है, इसमें प्रायः कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इंटरनेट क्या है, इन सब को दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, तो एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को ही दोस्तों पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण के स्वरूप क्या है, आखिर क्यों पृथ्वी इतने गर्म होती जा रही है, क्या कारण है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या समस्या है, बीमारियां कितने प्रकार की होती है, इन सब को इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों हायर एजुकेशन है, 6th टॉपिक हमारा होगा हायर एजुकेशन, इसको देखेंगे। 7th टॉपिक में दोस्तों रीजनिंग है, तर्क है, मतलब तार्किक लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे 9th टॉपिक में, और 10th टॉपिक होगा हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, तो हम लोग DI को समझेंगे। दोस्तों आज हम पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो भी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वो पहला टॉपिक को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो समझ नहीं आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फोन के द्वारा पूछ सकते हैं या आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि यहाँ फिर से बता दीजिए, हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों पहले टॉपिक में हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पहला टॉपिक हम लेंगे रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग में जो पहला टॉपिक होता है दोस्तों वह होता है लेटर सेज। लेटर सीरीज को हम समझेंगे जो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा A to Z तक होता है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग याद रखना होता है, A=1, B=2, C=3 और Y=25 और Z=26। दोस्तों ये पूरा लेटर सीरीज जब हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में, पहला क्लास में, तो
तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि लेटर सीरीज में आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जो 1 से लेकर 26 मतलब लेटर सीरीज जो हमारा टॉपिक है, इसमें 1 to 26 जो हमारा लेटर है उन लेटर को समझना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लेटर सीरीज का प्रश्न तो आप बना सकते हो लेकिन एग्जाम में टाइम चूंकि कम होता है इसलिए हमें जल्दी बनाना पड़ता है। तो उसी जल्दी बनाने के लिए हम कुछ टेक्निक को बताएंगे कि कैसे 26 लेटर आपको याद हो जाएगा। अगर पूरी वीडियो को देखिएगा तो 26 लेटर अभी आपको याद हो जाएगा। और जो यूजीसी नेट या अदर एग्जाम में जो एक प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे जरूर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे याद रखिएगा ई जे ओ टी वाई, ई जो टी, ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 50 मतलब 15, 20 और 25, ई जो टी, यानी कि 5 का पहला याद रखिए, 5, 10, 15, 20, 25 और याद रखिए ई जो टी। दूसरा है सी फिलो एफ आई एल ओ रक्स, इसका सिंपल कोडिंग है दोस्तों, हम बच्चे को कहते हैं छोटी बच्चियां होती है तो सी पीलो किसकी दवा, रक्स की दवा, सिंपल कोडिंग याद रखिएगा कि तुम पीलो, सी पीलो फिलो रक्स, सी फिलो रक्स, यहां सी मतलब हो जाएगा तीसरा, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, 18, 21 और 24। तो सी फिलो रेक्स, ई जो टी, सी फिलो रेक्स, दो टर्म आपको याद रखना है और 26 लेटर आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। क्या याद रखना है, दो टर्म, एक इजोटी और दूसरा सी फिलो रक्स। दोस्तों इजोटी और सी फिलो रक्स, इजोटी में आपने देखा 5 लेटर है और इसमें 8 लेटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर 5 और 8 को मिला दें तो 13 लेटर होता है। अगर आप इजोटी और सी फिलो रक्स को आपने मिला दिया तो कुल 13 लेटर होगा। दोस्तों अगर 13 लेटर याद है तो उसी के आगे पीछे अगला लेटर होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ई, ई अगर आपको 5 नंबर याद हो गया तो एफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से जे अगर 10 याद हो गया तो अगला क्या हो जाएगा, जे के 11 हो जाएगा। इसी तरह अगर टी 20 याद है तो यू ऑटोमेटिक 21 हो जाएगा। दोस्तों ये हम इसलिए शुरू में याद करवा रहे हैं कि जो रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं जो 1-1.5 मिनट लगता है बनाने में वो आपसे मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में बन जाए। इसी तरह दोस्तों सी अगर 3 याद रहेगा तो डी 5। तो सिंपल पहले में 5 का पहला याद रखिएगा, 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी, और दूसरा में 3 का पहला याद रखना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो मतलब कहने का है कि पहले क्लास में आप दो चीज जरूर याद रखिएगा, इजोटी और सी फिलो रेक्स। जी हाँ दोस्तों, इजोटी और सी फिलो रेक्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों 26 लेटर याद रखने का नियम, इसको आप घर पे 2-3 बार जरूर लिखिएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगर ज्यारत करना है तो अभी से लगना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और आराम से हम हर एक चैप्टर पे डिप में जाके डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो दोस्तों होता है 1 to 26 लेटर को याद रखना जिसे हमने इजोटी और सी फिलोरेक्स के माध्यम से याद किया। एक होता है दोस्तों लेटर सीरीज में अपोजिट वर्ड,
जैसे कि आपको अपोजिट वर्ड हम पूछे, ए का अपोजिट क्या होता है तो आप बता दीजिएगा जेड, बी का क्या होता है तो बता दीजिएगा वाई, सी का क्या होता है तो बता दीजिएगा एक्स। लेकिन अगर हम आपसे डी का, ई का, एफ का, जी का, टी का पूछे तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है। या इससे पहले आप लिखते होंगे ए से लेके एम तक, फिर एन एम ऐसे करके लिखते होंगे, तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे करने में भी आपका एक से दो मिनट चला जाता है। तो आज हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में भी हम कोडिंग थ्रू ही सारी रचना बताते हैं, जिससे कि आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। उसी तरह से आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा और टेक्निक एक मिनट बाद सारा अपोजिट वर्ड आपके टिप्स पर होंगे। जी हाँ, तो चलते हैं उसी पे। एक टेक्निक के लिए मैं कुछ ऊपर लिखूंगा और आपको समझना है दोस्तों। बस दो ही चीज याद रखना है, एक तो ए टू जेड तक लेटर को, कितने नंबर पर कौन है, दूसरा अपोजिट वर्ड। तो आज हम उस अपोजिट वर्ड के लिए कुछ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज मन से श्री पी के साहब, आज मन से श्री पी के साहब अपने प्यारे मित्र सी एक्स कुमार डी डब्ल्यू से मिलने जीटी नगर गए। जीटी नगर में ही मेरा कोचिंग है, जीटीबी नगर, जीटी नगर गए। इस मित्रता को देखकर जेक्यू ने उफ किया और बाय कर दिया। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना कि आज मन से श्री पी के शाह अपने प्यारे मित्र सी एक्स और डी डब्ल्यू से मिलने जीटी नगर गए। इस मित्रता को देखकर जेक्यू ने उफ किया और बाय कर दिया। इसको एक दो बार आप लिख लीजिएगा और दोस्तों लिखने के बाद एक दो बार बस बोल दीजिएगा और जीवन में आप अपोजिट वर्ड नहीं भूलेंगे। जो एक प्रश्न अपोजिट वर्ड से पूछा जाता है वो 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपका बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आज है, इनको डिकोड करेंगे एज है, मतलब ए का अपोजिट जेड। मन है तो एम एन हो गया दोस्तों। श्री है तो श्री को लिख सकते हैं एस एच आर आई, अर्थात एस का अपोजिट एच, आर का अपोजिट आई, पी का तो पी के है। प्यारे का याद रखिएगा लव, सी एक्स डी डब्ल्यू ऑलरेडी है, जी टी है ही, जे क्यू है, उफ है, बाय है। अब सारे को हम एक जगह लिख लेते हैं, ए जेड एम एन एस एच आर आई सी पी के है तो पी के, लव सी एक्स डी डब्ल्यू जी टी जे क्यू उफ और बाय। हमें दोस्तों कुल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है ये तो पता है, तो हमें 13 पेयर होना चाहिए। अब देखिए, ए जेड एक, एम एन दो, एस एच तीन, आर आई चार, पी के पांच, एल छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, कुल 13 पेयर हमारा बन गया। जी हाँ, अब हमारा 13 पेयर बन गया है। इन 13 पेयर में सिंपल अभी मैं आपको याद रखेगा आज, जैसे ही कोई कहे आज तो समझ जाने ए का अपोजिट जेड होता है। मन याद रखना है तो एम का अपोजिट एन, इसी तरह पिता के नाम के पहले दोस्तों श्री लगाते हैं,
लगाते हैं ना, हम सब लगाते हैं। तो श्री एस का उल्टा एच हो गया और आर का उल्टा आई हो गया। द अपोजिट वर्ड क्या होता है, एस का एच आर का आई। इसी तरह पीके, पीके मूवी याद रखिएगा, पीके पहले लगता था पीके, तो पीके मूवी है तो पी का अपोजिट क्या हो गया के, और के का अपोजिट पी। इसी तरह लव याद रखिएगा, कुछ टर्म लव, तो एल का अपोजिट वो और वी का अपोजिट ई। इसी तरह दोस्तों सी का अपोजिट एक्स याद रखना, सी का अपोजिट एक्स याद रखना है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, गुल्ली डंडा, बचपन में हम लोग खेलते थे गुल्ली डंडा, तो डी डब्ल्यू। इसी तरह जीटी रोड, आपने जीटी करनाल रोड सुने होंगे, जीटी, तो जी का अपोजिट क्या हो गया टी। इसी तरह जे क्यू, जैकलीन को याद रखिएगा, जैकलीन फर्नांडिस जो हीरोइन है, तो जे का क्या हो जाएगा क्यू, जे का क्या होगा क्यू। जब कोई चोट लग जाता है तो हमें क्या कहते हैं उफ, तो यू का क्या हो गया अपोजिट एफ, उफ हो गया, मतलब यू का अपोजिट एफ। इसी तरह जब छोटे बच्चे होते हैं तो बोलते हैं बोलो बच्चे बाय बाय, तो बी का अपोजिट क्या हो गया हुआ है, बी का अपोजिट हुआ है मतलब बाय बाय। तो दोस्तों ये सिंपल सा अपोजिट वर्ड है, इसको एक से दो बार देखिएगा और आपको मेरा दावा है कि आसानी से वो सारी चीजें याद हो जाए। जी हाँ, अगर समझ नहीं आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है लेटर सीरीज में। और प्रश्न कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, वह 15 से 20 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। कुछ 10 ईयर इसी के अनुसार जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो दो चीज याद रखना आप फर्स्ट पेपर के पहले क्लास में, एक इजोटी और सी फिलो रैक्स और अपोजिट वर्ड। दोस्तों इसी तरीके से अब कुछ हम सवाल को बनाएंगे और देखेंगे कि कितना जल्दी सवाल हमारा बनता है, उन्हीं के अनुसार हम आगे भी बढ़ेंगे। जी हाँ, तो उन्हीं सवालों को हम लोग देखते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं हम लोग, ये सवाल नेट में ही दिसंबर 2015 में पूछा गया है, ये दिसंबर 2015 का सवाल है। दोस्तों सवाल को हम लोग लेते हैं, सवाल है बी टू एफ कोमा है, सॉरी बी टू ई है, बी टू ई है, नेक्स्ट है डी फाइव एच, डी फाइव एच, तीसरा है एफ ट्वेल्व के, नेक्स्ट है एच 27 एन एन। अब पूछा है आगे क्या आएगा, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आपको नंबर लेटर सीरीज का याद रखते हैं, देख लेते हैं, ये बी मतलब टू है, डी मतलब चार है, एफ मतलब छह है और एच मतलब 10 है। आप ऑलरेडी समझ सकते हो कि सीरीज में चल रहा है, दो के बाद चार हो रहा है, चार के बाद छह हो रहा है, छह के बाद आठ हो रहा है, अगला क्या हो जाएगा 10। तो अगला जो 10 होगा, 10 का मान आपने याद रखा है ई जो टी, ई मतलब 5 और जे मतलब 10, तो यहां क्या हो जाएगा जे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब दो के बाद देखते हैं कि ये है चार पांच हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 27 हो गया और पूछता है अगला क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अगला हम ले जो नंबर सीरीज पढ़ेंगे उसमें टेक्निक बताऊंगा कि ये क्या किया है, 2 × 2 + 1 क्या होगा, 2 × 2 = 4 + 1 = 5। ठीक, इसी तरह 5 × 2 + 2 तो 5 × 2 = 10 = 12। इसी तरह इन्होंने किया है 12 × 2 + 3 तो 12 × 2 = 24 और 3 = 27। अगला क्या हो जाएगा हमारा कि 27 × 2 + 4। देखिए क्या है कि दो सब में मल्टीपल हो रहा है,
पहले में एक बड़ा है, दो बड़ा है, तीन बड़ा है, अगले में क्या बड़ा है, चार बड़ा है। तो अब 27 दुना क्या होता है, आप बताइए, 27 दुना 7 दुना 14, 2 दुना 4 54, और 54 54 प्लस 4 58। कितना आसानी से प्रश्न बन रहा है। आगे देखिए दोस्तों, ई हमने बताया था 5, एच बताया था 8, के बताया था 11। देखो नंबर याद रखने का फायदा, एन बताया था 14। अब देखते हैं कि लास्ट से डिफरेंस क्या है। पहला में 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, अगला भी क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। 14 में 3 जोड़ दीजिए, 15, 16 और 17, और 17 नंबर क्या होता है, क्यू, 17 नंबर क्यू होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जे 58 क्यू, जे 58 क्यू। शुरू में तो दोस्तों कुछ सवाल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने 2-4 बार प्रैक्टिस कर दिया तो आपको नंबर भी याद रह जाएगा और आसानी से भी बन जाएगा जी। इसी तरह कुछ और सवाल हम लेते हैं जो आपको आसानी से बन जाए सवाल। जैसे दोस्तों एक सवाल पूछा था, जैसे कि देखिए ये 2010 में पूछा था, जैसे पी ए एन, दोस्तों देखो पेन को इन्होंने 31 लिखा है, पेन को 31 लिखा है, पी ए आर पार को इन्होंने 35 लिखा है, तो पूछा है पी ए टी को क्या लिखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, ई जे ओ टी वाई और सी फिलोरक्स, इसमें 5, 10, 15, 20 और 25 आया था। इसी तरह 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 आया था। अब देखो पेन पी कितना हो जाएगा, अगर ओ 15 है तो पी 16, इसका मान 1 है और इसका मान 14 है, तो 16, 1, 17 और 14, 31। मतलब हमें ये पता चला है कि ये जोड़ के लिख दिया है, नंबर का मान जोड़ के लिख दिया। इसी तरह 16 है प्लस 1 है प्लस 18 है, तो 18 और 17 35 होता है। इसी तरह आगे भी देखो दोस्तों, लेटर सीरीज में नियम होता है, जो ऊपर किया होता है उसी तरह से हम नीचे भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे P हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 20 होता है, तो 20, 36, 1, 37 मतलब 37। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेटर सीरीज में दोस्तों नंबर और अपोजिट वर्ड याद रखना जरूरी है। जैसे कुछ हम अपोजिट वर्ड को लेते हैं, उस अपोजिट वर्ड को भी आपको याद रखना, देखिए कैसे आपको तुरंत बन जाता है। जैसे कि आपको कह दिया बी ओ एक्स को वाई एल सी लिखा जाता है और सी ओ पी को एक्स एल के लिखा जाता है, तो देन कोई भी शब्द ले सकते हैं, पुलिस को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो अभी हमने देखो बी का अपोजिट, हमने बोला बाय बाय, तो बी का अपोजिट क्या है, हमने देखा वाई है, एल का अपोजिट ओ है, लव हमने बताया, एक्स सी का एक्स, मतलब हम देख रहे हैं कि अपोजिट वर्ड आ रहा है।
इसी तरह C का X है, O का L है और P का K है। तो दोस्तों अब हमें इनका भी अपोजिट वर्ड लिखना है। देखिए अगर आपको अपोजिट वर्ड याद नहीं रहेगा तो तुरंत इनको अपोजिट वर्ड समझना और लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अपोजिट वर्ड याद रखना जरूरी होता है। जैसे P तो हमने बताया था पी के मूवी है तो P का अपोजिट क्या हो गया के। अब ओ है तो हमने बताया था लव, एल का अपोजिट एल ओ एल। फिर है एल तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ। अब आई है, देखो दोस्तों आई है तो आपने देखा होगा श्री में आई आया था एस एच आर आई, तो आर का अपोजिट आई है तो यहां आर हो जाएगा। सी है, सी का अपोजिट क्या है एक्स है। ई E जैसे याद आए दिमाग में लव आना चाहिए एल ओ वी ई। अब देखिए E का अपोजिट क्या हो जाएगा V, तो हमारा आंसर हो गया के एल ओ आर एक्स वी। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ उदाहरण था। दूसरे क्लास में भी हम लेटर सीरीज ही आपको पढ़ाएंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निक बताया है कि किस तरह से लेटर सीरीज में आपको लेटर को याद रखना है। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, फिर हम दूसरे क्लास में मिलेंगे।